अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बात थोड़ा जा लो करो जी ते फिर पीछे होके बह जाओ टोल आके अम्मा बात औज बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हा मीम ऐन सीन काफ मैंने तो पता लगी सुनवाइये बड़े हो लेकिन ये थी चुप कर गया हो हा मीम ऐन सीन काफ इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा दरूद पढ़ो एक बारी सरकार दी ज़ात ते छिड़ के सारे मेरे तो पहले ए बच्चे ने एक टुंडिया का लफज बोलिया पाइंतन दे वाले नाल मेरा दिल कर दिया मैं ओदी वजाहत कर दिया फिर जो पढ़ना वह पढ़ा मेरे सज्जे हाथे च 18 लिखे है वेखो तुहाडे च बोलोगे तो कोई सुन लोगे नहीं तो मैं तो अगे कहला जानू मेरे सज्जे हाथ एक ते 8 लिखे है तुहाडे च 18 ही है 5 उंगलियां ने 18 ते 5 त्रई 2 ते 3 5 मर्जी है तेरे वाली मर्जी है 2 ते 3 5 ए 18 ए 14 पोटे ने 3 चौके 12 ते 2 में नहीं पता 14 क्यों ने ए 14 पोटे ने 14 ते 18 32 3 ते 2 फिर 5 3 ते 2 फिर 5 उंगलियां 5 फिर 5 खब्बे 8 च 81 है 8 ते 1 तुहाडे च भी यही है 81 च 5 उंगलियां पाओ 86 8 ते 6 14 1 ते 4 फिर 5 पता नहीं तुसीं की सुनदे हो फिर 5 ए 81 है 14 पोटे विच पा 95 9 ते 5 14 1 ते 4 फिर 5 ओ तेरे हत्थां ते पंजां दा कब्जा टुंडा हो जा मौलवी फिर पंजतां तो जान छुटेगी किथे लै आए इहदे नाल लालियां करा लिया प्रोग्राम कुरान दियां 114 सूरतां मैं परेशान है स्लाइड तो मेरी अखां दा परेशान है मैं इहनूं किवें मना कर सकदा जी इहनूं बंदियां च फिट कर दे चलो तस्वीर बनती रहेगी मेरिया तो रोज ही बनदियां ने मैं 12 मुल्कां च पढ़ चुके हाँ आ नवाजिश तेरी 114 सूरतां ने कुरान दियां मैं जो लगा पढ़न यह हुण ही 2 मिनट पता चल जाएगा किनिया सूरतां ने 114 इन्हां विचों 29 जिहड़ियां ने ना 29 2 ते 9 11 अजे भी तू 11वीं दा मुनकर है 29 सूरतां दे शुरू विच कुछ टोकवें हरफ ने अल्फ लाम मीम अल्फ लाम रा हा मीम यासीन ताहा इन्हां नूं कहिंदे ने हरूफे मुकत्तआत बस एक मिनट मुश्किल है सिर्फ इन्हां दा मतलब की है या अल्लाह जानदा है या उहदा नबी जानदा है ते या कुछ कुछ वह जानते ने जिन्हां नूं ये जोड़ी दसे मेरा दिखा लिया तो इनकार ना शिया नू ना सुनी नू किसे ने जिन्ना चिर मुस्तफा ना दसी अली नू ही पता नहीं लगता की है ये अकीदा ही शान सारी किसे ने पूछा या अली ए जिवें 5 उंगलियां सामने आ जो पूछी तो पटक दस दें दियो फरमाया हाजा लुआब वो मुहम्मद ये रसूल दे लुआब दा असर है ये कदा असर रसूल दे लुआब दा अजे मैं मौजूद दसिया नहीं दिन मैं की पढ़ना है फिर भी चोट के टोड़ दी मजा ना आया दे जी मैं अर्ज कर रहा ये मुकत्तात जड़े ने इन्हें च मैं पढ़िया हा मीम एन सीन काफ एक मिनट तो बाद मौजूद है मैं ऐलान कर देने जी कायनात च पहली बोली अरबी है केड़ी बोली है अरबी जहां साडा अब्बा जन्नती चो निकलिया ते जबान बन गई अबरानी अबरानी सुरियानी भी कहिंदे ने अबरानी ए अबरानी जबान विच सीन कोई नहीं ओ सीन साम सीन सेब सीन सब
ਇਹ ਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਲੱਗੂ ਮੌਜੂਦ ਆਕਨ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਨ। ਮਸਲਨ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਤੇ ਤੁਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੂਸ਼ਾ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੇ ਤੁਰਾਤ ਅਬਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਮਿਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਕ ਉੱਥੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕ, ਸੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਈਦੀ ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਓਏ ਐਡਾ ਮੈਂ ਐਨ ਸੀਨ ਕਾਫ ਪੜਿਆ। ਤਫਸੀਰ ਅਰੈਸੁਲ ਬਿਆਨ ਅਲਾਮਾ ਰੋਜ਼ਮਾਨ ਬਕਲੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੁਕੱਤਾਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਆਂਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਗਦਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਰਬਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਖਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਬਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ, ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਤਮੀਰ ਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਟੇ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਬਲੀ ਆ ਗਏ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਏ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਹਟੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਸੂਰ ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਸੁਣੇਗਾ, ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਤੂੰ ਵੱਟੇ ਮਰਵਾ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਏ, ਦੱਸ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਿਬਲੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਸੁਬਾਹ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਵਲੀ ਸਨ ਉੱਠੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂ ਗਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੌ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀ ਏ, ਔਰ ਜਲਾਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤਾਦਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੂਥੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਆਵੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਵੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਓਏ ਦੱਸਣ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਦੱਸਣ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਪੱਥਰ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਝੂਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਰਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾ, 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਏ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਮਨਾਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ 33 ਦਾ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਸ਼ਾਨ ਏ ਰਸਾਲਤ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਲਮ ਯਕੁਨ ਮਾਉ ਸ਼ੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਹੋਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗੇ। ਸੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੱਢਿਆ। ਅਬਰਜ਼ਲ ਹਕੀਕਤ ਅਲ ਅਹਮਦੀਯਤ ਮਿਨ ਕਮੂਨ ਅਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲ ਅਹਦੀਯਤ, ਵਹਦਤ ਦੀ ਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
ना अर्श ना कुर्सी ना लो ना कलम ना चन मैं लगा जुमला बोलन तारे कुछ नहीं या ओ ए, या ए आ अजे ते दो होके अली भी नहीं बनया अजे एक ही है मैं पेड़ च पढ़ रहा अजे एक ही है या ओ ए, या ए आ ओथे भी रसूल तस्वी करता सी जगह ते है कोई नहीं तू मुहम्मद का मुसल्ला दस किथे आ ओए होए 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 जद तू रसूल दे मसले तक नहीं पहुंच सकता ओदी जात ते बहस करदा है ना 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 मैं समझा सी सनवैये लोग ने मैं काम शुरू किया लेकिन फेल हो गया जिदी जाए नमाज तक अकल नहीं जांदी मैं टोले पढ़ने वाला मौलवी नहीं जिदी जाए नमाज का पता नहीं कि रसूल कित्थे पढ़ था ते है नहीं दस मौलवी ओदा मसला कित्थे सी दस जद ओदी जाए नमाज तक तेरी अकल की रसाई नहीं तू मेरे रसूल से बहस कर दे मशर सी के नूर सी एक बार फिर बोल सुभान अल्लाह किन्नी उम्र सी ईसा अलैहि सलाम दी 33 साल मेरे अल ध्यान कर बाजार ही जा रहे ने रुख लगा मैं बदलन अगे एक 19 साल का काका गली च खलोता है वह अंज राह डक के खलो गया कहिंदा आ अंता नबी अल्लाह अल्लाह का नबी है देखो मैं समझाने वाला मौलवियों कोठे वाला नहीं अन्ने चटे जुड़िया कोई जाए को आए को मरे को जिए गुजरा को परवाह नहीं मैं एक एक ते नजर रखना केड़ा बैठा केड़ा उठ के टुर गया उन मालिक नु एक कह के आया जिदन दुनिया मेरी तकरीर च उठ के टुर जा मौत दे दी लोड़ ही नहीं बिल्कुल तवज्जो इंज रात डक के कहिंदा अंता नबीउल्लाह अल्लाह दा नबी है अपने का ठीक है अंता रसूलुल्लाह रसूल है मेरे नाल चले जी मरियम का पुत्र है जी मेरा नबी है जी सुने अल्लाह तेरी मान लेंदा है मैं कोई मुश्किल फिकरा नहीं पढ़िया जिदे ते तेरा मुंह बन जाए परेशान हो जाए नबी है जी रसूल है जी ए मरियम का बेटा है जी रूहुल्ला है जी रसूलुल्ला जी नुतफे तो पाके ओए होए होए जिदा उमती नबी नुतफे तो पाके रसूल की होएगा है नुतफे तो पाके जी सुनिया अल्लाह तेरी मान लेंदा है आपने कहा हाँ मैं ओदा नबी हाँ अगर मैं गुजारिश करा तो मान लेंदा है कहिंदा फिर तेरा राह डके है एक कतरा इश्क दा ते ले दे तू मेरा मौजू ही भुल गया है मौजू ही भुल गया है एक कतरा इश्क दा ते ले दे अल्लाह दे नबी ने इंज गौर नाल वेख्या तेरे कोलों जरिया नहीं जाना मैं आ गया उस मंजिल से जिथे मैं तेन धमाल पानी है या फिर सुक्का ही माननी है तू मेरा जुमला सुन के ए एक कतरा इश्क दा ते ले दे आपने कहा तेरे को जरिया उचित जरिया तेरे को पचाया तेरे को हजम है नहीं वह आंदा चल अद्धा ही ले दे एक कतरा नहीं अद्धा ही ले दे इंज हाथ चुकया मालिक ये जो मंगद दे आ ये गुलाम ईसा नहीं ईसा है ये आम गुलाम नबी नहीं नबी है ते है पंजा ही चो एक जेड़े टोरी नबी ने इंज हाथ चुक के क्या इन जो मंगद दे अजे दे दी ये नहीं मुकी उस काके ने चीख मारी ते भज गया आप टुर गया अपने काम नू 3 महीने तो बाद फिर उस गली च आए इतनी तो कुली अगे बाणी मां आ गए 3 महीने तो बाद फिर उस इतने एक काका इश्क मंगता सी उन्हें क्यों तो अपनी ना माँ को लब्भा ही ना प्यो को पता नहीं किधर गया जे सारा पिंड उहदे मगर उहदा पता ही नहीं कित्थे गया आपने कहा अच्छा वह तो मूँह करके कित्थे कीता ही मेरा ख्याल है तेनों उर्दू पंजाबी दी भी समझ नहीं आती कित्थे कीता ही आवाज़ एक कुदरत आई क्यों मैं उन्हें वेखना चाहना जिहड़ा इश्क मंगदा फरमा फलां पहाड़ से जाओ ईसा अलैहि सलाम गए वो पहाड़ की चोटी से खड़ा है मूँह ओडा सजदी अड्डे है तो उतार इंज की बैठा क्लीप जाके आपने कहा अस्सलाम वालेकुम कोई जवाब नहीं ओ मैं तेरा नबी हाँ वह बोल होए वह गल क्यों नहीं करता वह की हो चौपे उतां वेख के कहिंदे ने इहनूं की कीता हुण लगो मैं तूफान सुट्टन ते बचाई अपने आप नूं अल्लाह ने कहा ईसा इहने मेरे इश्क का अद्धा कतरा पी लिया इहनूं आरे नाल भी चीर जेड़े शिया बैठे सजे खबे वह सुनिया जो सुनी को फिकरा इनू आरे नाल भी चीर इन्हें तेरी सुननी नहीं वो जेड़ा अद्धा कतरा पी गया है वो नबी दी नहीं सुनता किथे तोला अली दे पुत्र नू जेड़ा समुंदर इश्क दा पी गया है
अजय तो मैं शुरू किया पर तेन सुनने की जाच ही नहीं आई। सुनिया को भी सुनो अली, अद्धा कतरा पीता ते नबी दी नहीं सुनता। अली दे पुत्र समुंदर इश्क दा पीता ते जग दियां सुन रहा। बोलिया नहीं तो इसलिए अल्लाह हजरत ने कहा सी मरे आज ले उनकी पना। आए हाय हाय आज मदद अज वक्त ही है अज मंग अज ते इत्थे अज मदद मंग। तवज्जो एक कमाल की है। मैं एक जुमला बोलदा महफलां च इस अमीर शाह दे कोर्ट च लगा बोलन। कायनात च लोका अल्लाह नाल मुहब्बत कीती है, इश्क सिर्फ हुसैन कीता। तू पेड़े च बैठा खलो के दस जे किसे ने इश्क कीता ते अल्लाह नाल, नबी नाल नहीं। नबी दे कई आशक ने बहस करनी है, बलाल है कई ने, कई आशक ने अल्लाह नाल इश्क आया। जेड़ा जिन्हों समझ आ गई सट उन्हों कलीजे च बहनी है। मुहब्बत बड़िया कीती है, इश्क सिर्फ अली दे पुत्र ने किया। जरा एक बारी बोल सुभान अल्लाह। नहीं मैं तेन दसना चाहना हुसैन किसे कहते हैं। बोलिया नहीं तू सारी जिंदगी विच अली ने सिर्फ एक बारी काबे दे बूहे ते मेरे नबी दा लुआब चूसिया, बस। बोलिया नहीं जदों बाहर निकली चाची लैके इनू गुड़ती देनी है ते आ चुको ना मैं भज के घरों जाके शहद ले आवां खजू मेरे नबी ने कहा ठहर युदली लिसान फीफम में मेरे नबी ने अपनी जबान पाई मुँह च। आए हाय हाय आए हाय अली दे मुँह च जबान पाई यमसु मसन अली ने चूसना शुरू किया। जिंदगी विच एक बारी ते वक्त पाया दुनिया नू सलूनी जो दिल करदा पुछो। बोलिया नहीं तो जो दिल करदा पुछो, जिथों दिल करदा पुछो। मैं जानना केड़ी रात नू आई, केड़ी दिन नू आई, केड़ी मैदान च आई, केड़ी पहाड़े च आई, केड़ी कारे च आई, केड़ी मसीते च आई। उन्हें क्या इन्ना इलम मैं जानना सुनूनी अन इल्मिल्ला यालमु जबरील वाला मेकाइल। मैं वो इलम जानता हूं जो ना जबरील को आता है ना मेकाइल को आता है। मौलवी तू आना जबरील ने नबी नू पढ़ाया वे। अली ते आंदा जो मैं जानना ना जबरील नू आउंदा। मेरे ख्याल बोर हो गए हो, बोर हो गए हो, थक गए हो। अब मैं ओ इलम जानना जेड़ा ना जबरील जानता है ना मेकाइल जानता है। लोकां पूछिया कित्थों सीखिए, फरमाया हाजा लुआबो मुहम्मद, ए रसूल दे लुआब दा असर। हाय 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 ए मेरे नबी दे पाक लुआब दा असर। हुण मैं फिकरा लगा बोलन ते सुनियो उठ के दात दे आजे, नहीं ते समझांगा मैं भी मुनकर हो सारे। जिन्हें एक बारी चूसे है ओदे इलम नू खुदाई नहीं समझ सकी। हुसैन ने ते 2 साल चूसे है। इस लुआ विच है की कुरान। आए हाय बोल की है कुरान की है। जरा बोल मैं कोई जुमला बोलना चाह की है कुरान। एक बार फिर समझ की है। मैं एक जुमला लगा बोलन जेड़ा तू जिंदगी सही दी पहली बारी सुनेगा। हुसैन ने नेजे ते क्यों पढ़िया विच कई बैठे उठ खलो के दसो वजह की वजह क्यों पढ़िया। पेड़ की गल है ना मक्के पढ़दा मदीने पढ़दा घर पढ़दा काबे पढ़दा मस्जिद नबी पढ़दा नेजे ते क्यों। जे हक बने ते दात दई, हक बने ते दात बई। इंज नहीं मैं पेड़ च गजन वाला बंदा एक अंब लै लै एडी एडी गक्कड़ अंब इनू जमीन च टोया पट के गड दे उत्ते पा मिट्टी कुछ दिनों तो बाद वो सीना चीर के बाहर निकलेगी। की निकलेगी मेरे नाल चल मैं दसा क्यों नेजे ते पढ़िया। एक ही निकलेगी बार
वह फिर कौंपल बनेगी, फिर शगुफा बनेगी, फिर पौधा बनेगी, फिर दरख्त बनेगी, टहनियाँ शाखा पत्ते जिहड़ा तू जमीन च गड्डिया सी ना एक मुद्दत तो बाद फिर पत्तरां च लुक के इंज लमक के जाहर हो जाएगा। हाय 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 मैं बिल्कुल जहलां च पढ़ रहा, फिर समझ जिहड़ा जमीन च लुकाया सही जिहड़ा जिहनूं पानी पाउंदा रहा ये फिर चोटी ते जाहर हो जाएगा। दो साल नबी कुरान की गुड़ती इत्थे पांदे रहे, जदों ये जवान होई इत्थों निकल के फिर नेदे ते फड़े जाए। ढोले पढ़न का ना इलम नहीं, जिन्हां नूं चासा ही नारा है हैदरी हैदरी, ओ बोलो हैदरी। हुण समझ आईया क्यों पढ़िया, हुण समझ आईया क्यों पढ़िया, बोलो तो सही, हुण समझ आईया बोलो। अली युन माल कुरान है, वल कुरानो मा अली, जिथे अली ओथे कुरान, जिथे कुरान बोलो तो सही यार, जिथे अली ओथे नहीं, जेड़ा मुंह बंद करता है उन्हें क्या उठ के निकल जा बिचों, जिथे अली ओथे जिथे कुरान ओथे अली। नबी ने क्या एक मौसम आएगा लोग सुर ला के कुरान पढ़ने, इतों थले नहीं उतरेगा, ए इतों वो मैं क्या भी वो क्यों, फिर जो मैं ये हदीस पढ़ी ना भी जिथे कुरान ओथे अली, जिथे अली ओथे कुरान, ते खुदा दी कसम खुद ही बैठ के बैठा वाह। वो जो कारी मुँह खोल के सुर मार दिया यासीन कुरान चाती मार दे इथे अली है, जे है ते उतर जांदा है ते जे नहीं बोलो तो सही है। सुम्मा और असल किताब अल्लाह जी नस्तफैना मैंने इबादे ना, ए नहीं वारस कुरान दे, ए नहीं वारस कुरान दे, कुरान ए नूर कुरान ए विरसा, ए ने वारस चलिया जिन्हों का विरसा नूर होवे मौलविया को पूछना बशर के नूर है। कुछ बोलेगा हाथ ना बन के खलोवा भाई नींद आई दस सौ जाके फिर बोल, जिन्हों का विरसा नूर है एक बारी बोल जिन्हों का नहीं नहीं चस रही जिन्हों का एक बारी फिर बार बोल जिन्हों का विरसा नूर है। वारस दे बारे च की ख्याल है, आ महला बोले आ अड़ा नारे ज्यादा मार दी ना दा विरसा नूर है। मालक की होंगे नहीं 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 चस नहीं आई, विरसा नूर है ते वारस की होंगे की होंगे। खुदा दी कसमें अकल दे घोड़े पजा पजा के दुनिया थक गई। मैं एक जुमला लगा बोलन जे तेनू मजा आ जाए, चार चीजा चार बच्चा प्यो को लेंदा, पेजा दिमाग हड्डियां रगा, चार चार मां को बाल खाल खून पसीना, चार ते चार अठ, पांच कुदरत को देखना छूना चखना सुनना पकड़ना हवासे खमसा, जरा मेला वेखी ते उठ स्वाद है ते उठ के दादी, अठ ते पांच तेरह एक आ गई रूह, वो जिन्ना चिर चौदह ना मिलन बंदा बंदे दा पुत्र नहीं बनता है। जिन्हों चा सारी ओते बोले चौदह मिलन ते बंदा बंदे दा पुत्र बनता है। आए हाय हाय बोल आए, चौदह मिलन ते बंदा बंदे दा पुत्र बनता है, पांच मिलन ते बंदा खान दे काबल होंदा नहीं ते टुंडा होंदा। ओ पंजा बारह चौदह तो ते जान ही नहीं छुड़ाई जा सकती ओए। नहीं नहीं मैं कैद पढ़दा सानोरीहिम आयातेना, मैं तुहानू भी सुनावांगा परेशान ना हो, सानोरीहिम आयातेना फिल आफाके वफी अनफुसिम हत्ता यतबैयना लहुम अन्ना होल हक। अल्लाह कहिंदा अन करीब असी कायनात विच तुहानू निशानियां विखावांगे ते तुहाडे विच ओए होए होए होए
ਓਏ ਕੁਝ ਤੇ ਸਮਝ ਓਏ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਚ ਬਹਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਐਕਸਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਟੋ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰੇ ਉਸ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਨਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਲਮੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲ ਅੱਲਾ ਓਹੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਹੋਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲ ਅੱਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਫੇਫੜਾ ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਉੱਲਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਸਾਰੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਾਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਅਜ਼ਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯੂਸਫ ਅੱਜ ਕੁੰਡ ਲਾ ਦੇ ਨੀਲ ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੁਸਲ ਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਲਾਣੀ ਅੱਜ ਤਖਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਰਬਫ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆਓ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਯਸ਼ਤਰੀ ਗੁਲਾਮਨ ਹਸੀਨਨ ਜਮੀਲਨ ਲਤੀਫਾ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਮ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 10,000 ਦਿਨਾਰ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵੇਖੀ ਹੋਏ ਜੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ 10,000 ਦਿਨਾਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20,000 ਦਿਨਾਰ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਨਾਲ 100 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਚੌਥਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1,00,000 ਦਿਨਾਰ ਨਾਲ 200 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ 5 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਡੋਲੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸੈਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਅੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਦਾਈ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਕਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਦਾਈ ਇੱਥੇ ਹਜੂਮ ਕਾਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡਣੀ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਦਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥਕਾਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕ ਯੂਸਫ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੇਪਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਹੀ ਪਿਆ ਲੇ ਡੂਬਾ ਹੁਸਨ ਹੀ ਯੂਸਫ ਕੋ ਵਗਰਨਾ ਮੰਡੀ ਮੇ ਕਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਵਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਯੂਸਫ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੀ ਤਾਈ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਆਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਡਿਆ ਐ ਸੁਣਦੇ ਨੀ ਇਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨੇ ਇਹ ਐ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਆ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਿਕਦੇ ਯਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਲਕ ਬੋਲੀ ਰੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਤਾਜਰ ਸਨ 1,000, 2,000, 50,000, 1,00,000 ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇਗੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਗੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆ ਗਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਾ ਮਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਗੱਟੂ
ਇਥੋਂ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਕਮਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਲੈ ਇਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਸਫ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਮਝੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦੀ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਆਪੋ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਨਖਰੀਲਾ ਖਤੀਬ ਆ ਭਾਈ ਮੌਜ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਲ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਆ ਸੁਣ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਸੱਤ ਸੰਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰੇ ਸੱਤਰ ਊਠ ਲੱਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਸੱਤਰ ਊਠ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਠੇ ਗੌਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਗਰੇਡ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਜਾਲ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਕੀ ਲਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਆ ਵੇਖ ਸੱਤਰ ਊਠ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਬੋਲੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨੇ ਐ ਤਰਾਜੂ ਤੇ ਤਰਕੜੀ ਲੱਗੀ ਅਵਾਮੀ ਕੰਡਾ ਇੱਕ ਪੱਲੇ 'ਚ ਯੂਸਫ ਬਹਾਨਾ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੋਰੇ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਸ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਾਨਣਾ ਦੂਜੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਬੋਰੇ ਉਹਨੇ ਖੋਬ ਚਵਲਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਉਹ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਟੂ ਨਾਲ ਤੁਲ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਆਈ ਪਿਆਰੇ ਯੂਸਫ ਬਹਿ ਪੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀ ਪਿਆਰੇ ਯੂਸਫ ਬਹਿ ਜਾ ਪੱਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 20 ਖੋਟਿਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਸੁਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੀ ਫਰੀਦੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸੁਰੀ ਸੁਰ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਯੂਸ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹ ਗੱਟੂ ਲਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਇਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਦੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਭੈਣੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਕੁ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਚਵਲ ਕੁਰਸੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕੋ ਜਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਕਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਚੇਅਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਆਹ ਹੁਣ ਸ਼ੂਮ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕੋ ਜਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੂਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਕੀ ਏ ਮੇਰੀ ਕੀ ਏ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਆ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਇਹੋ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ਼ਰ ਖਾਕੀ ਬਸ਼ਰ ਆਬੀ ਬਸ਼ਰ ਨੂਰੀ ਬਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਵੇਖ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਕੜੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਲੋਹਿਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਵੇਖ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵੇਖ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਟੂ ਰੱਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਛੱਟ 'ਤੇ ਬੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਓ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
नहीं लियो, हौली हौली रखदा जा रहा है। सत्तां कमरियां ते अमीर शाह दे कोट आलियो, खजाने रख दीते, जां खजाने मुक गए, पल्ला ही लिया नहीं। जबरील जा जाके मेरे नबी दे पैर चुम के कह वेखिया कीमत है। गल ते अगे मुकी नहीं, इत जां पल्ला ही लिया नहीं। ए मालिक अजीज मिस्र रो पिया। यूसुफ अलैहि सलाम कहन लगे मां अय्यूब की का क्यों रोया? कहन लगा तेनू प्यार नाल लैन आया सी। हाय हाय हाय, प्यार नाल लैन आया सी ते मेरे खजाने मुक गए, तू तुलिया नहीं। फरमाया प्यार दा नां ना लई, मेरे नाल अब्बे कीता सही, भरावां खूह सुट दिता। हाय 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 हाय, मेरे नाल प्यार कीता, मैं शीशा वेख के क्या कभी कोई मेरा मुल पाया तो मैनू को खरीद सकता है, तो भरावान 20 रुपया खोटिया च वेच दिता। अज तू प्यार करना आ गया अजी दे मिसर हो पियो। कहन लगा प्यार ना लैन आया, वाकई प्यार नाल कसम नाल 100 रब दी मैं प्यार ना लैन के आया। फरमाया जे प्यार ना लैके आए तो रोया क्यों है? कहन लगा खजाने मुक गए, मैं 7 कमरां दे खजाने 70 ऊंट लदे हुए इस कंडे ते रखे, तू तुलिया नहीं। फरमाया कागज ते कलम लिया। की लिया? कागज ते कलम। ओदे ते अल्लाह दे नबी ने कुछ लिखिया। फरमाया हाथ उतां करके बोरिया उते रख दे। ओ आंदा ए की जेड़ा बोरिया नहीं तुलिया, ए परची विच की है? ऐ ते तेनू दसना कोट अमीर शाह वाले। उन्हें कहा बोरिया नाल तुलिया नहीं ते परची विच की है? कह लगा ये सोनिया की लिखी है? फरमाया उतार के पढ़। जाओ ने परची लाई, उते लिखिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुमला बोलना है, वो दी कीमत हो दही नहीं थे आंज आंज ते करेगा जरूर। 6666 आयतां ने कुरान दियां, 6666 आयतां कुरान दियां। एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली, एक लिखी है, एक ए आ चुप कुरान। हुसैन दा नाना बोलदा कुरान, इस चुप कुरान दी एक आयत नाल नबूवत तुल गई है, मुहम्मद ते खुदाई नाल नहीं तुलदे ओए। अगू आवेगा थे सुन गौर दे नाल जा तवज्जो मेरे अल तुल गए हुण दा मालिक कहिंदा आओ जी चलिए ऐसे ते जा सोनी जिहड़ा मैं हुण बयान करन लगा आओ जी चलिए आओ जी ऐसे ते स्वाद है जिहड़ा तू खराब कर दे आओ जी चलिए मैं तुहानू मुल लिया ले। अल्लाह ने उतों फोन किया उतरी ना ऐ ते चासे जिथे तू सौ गए मालिक प्यादा मैं कीमत देती ते आओ जी चलिए। अल्लाह ने क्या उतरी ना उतर दे क्यों नहीं? फिर मैं तू आना उतर ओ आंदा है ना उतर की करा आवाज एक कुदरत आई यूसुफ इन कह जा पहले 7 कमरियां ताले मार के आ जिथे खजाने रखे सानी उन्होंने कमरियां ताले मार के आ। उन्हें कहा जी ताले मारे जाते हैं खजानियां उते वेले कमरे खाली खाली कमरे जंदरे मार दिया। फरमाया जो मैं आना वो कर जो मैं आना वो कर। एक गया ताले मार के कहते की है तू आए हाय हाय कि मैं लोगों च पढ़ रहा की है तू? आपने क्या की कहता कुरान की कसमे मैं वेना ते खजाने आई थे जा मैं उथे गया ते खजाने उथे ओए होए होए चुप कर मैं वेना ये इतें आया तो खजाने इतें जे उथे गया तो उवें ही भरे उथे। फरमाया आकड़ी ना मैनू खरीद के ले चलिया मैं अल्लाह का नबी हूँ नबी का भतीजा हूँ नबी का पोतरा हूँ नबी का पुत्र हाँ और नबूवत तुलदी नहीं तू नहीं खरीदया मैं मर्जी ना चलिया है। कोई जस आई के बोर कहिंदा एक बारी फिर कहीं की कही क्या जिन्हों तू गुलाम समझना है मैं यूसुफ अल्लाह का नबी हूँ
मेरा अब्बा यकूब अली अल्लाह का नबी आ, मेरा चाचा सहाक अल्लाह का नबी आ, मेरा दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह का नबी आ। मैं नबिया के खानदान रो के कहता ये की किया, ये मेरे को हो गया। और बोल ये मेरे कदमा डेग के कह लगा की हो गया, मैं नबी वेच बैठा ये की होया। आपने क्या अल्लाह की कुदरत इंज सी, वह मैं माफ किया, हूं तू मैनू रख के पालदा रहे है, कुछ मंग। एक बारी बोल कुछ कुछ, एक बारी बोल कुछ। इन्हें क्या बे औलाद हूं, भी जनानियां कीतिया ने बच्चे ही कोई नहीं आया, बे औलाद हूं। फरमाया जा बच्चा जा बच्चा जा बच्चा जा बच्चा जा बच्चा, 24 बारी उंगली उठाई, रब 24 पुत्र दिते इन। ए मेरे नबी दा 8वीं सफ दा उम्मती नबी है, हुन सोच मुहम्मद मुस्तफा की है। हाँ देख कोई लुत्फ आया कि बोर हो रहे हो, मैं बोर हो गया आ, मैं इश्क पढ़ रहा सा, जरा सुनी गौर दे नाल। हुसैन दी नानी का नाम की है? ये चंगे बंदे जे इन्हां नूं नहीं पता तो फिर पिंड कहदा होया, इस पिंड ते पता होना चाहिए सी। मौला हुसैन दी नानी का की नाम है? बोलो उची बोलो, अम्मा खदीजा तुल कुबरा, कुबरा खदीजा। आए हाय 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 ओए होए होए होए, मैं जे इधर निकल गया सारा कुछ ही पहुंचेगा। खदीजा तुल कुबरा, खदीजा तुल कुबरा। काश मैं इहदी शान ते कुछ पढ़ना हुंदा। ये वो बीबी है कि नबी आखिरी वक्त तक इहनूं याद करदे दुनिया च गया। तवज्जो, आखरी देने ते बीबी बिस्तरे आला लते आ। मेरे रसूल करीब आके कहिंदे ने कदी कुछ नहीं उह मंगिया, अज कुछ मंग लै। रसूल कवे मंग, मैं हुण फिकरा बोलना, जे तेनू समझ आ गई ते दात दई, नहीं ते कोई नहीं गल सिर सुर ला दई, कुछ मंग। अंज करके कहिंदी तेरा कदी हुक्म नहीं टालिया, लेकिन मैं की करां, मैनू मंगन दी जाच नहीं। आए ओए ओ बोल ओए, मैं सारी उम्र दिता, तू तो फिक्रे पीन दिया जो मैं पढ़न दिया। मैं सारी उम्र दिता मंगया, नबी ने कहा मैं कहना मंग, उन्हें कहा लजपाला तेरी गल टाल दी नहीं, ए 5 साल दी मेरी बतूल है, तुसी जरा मस्जिद च टुर जाओ ते मैं इनू दसा कि मैं की मंगनी हाँ, ते जदों मुड़ के आओगे इनू पूछ लिया जे। अच्छा जे थक गया तो रात खड़े करो तो जाओ, मैं तेन गंढ घली भी बेच बह जा, दोवें हाथ खड़े करके तो बड़ा खुश हो रहा बेच। इमामुल अंबिया ने फरमाया ठीक, कायनात दा नबी मस्जिद चले गए, जा मुड़ के आए, आके सीने ना ला के बतूल जमाने दी कोलों पुछया, बेटी दस तेरी मां ने की किया, दस तेरी मां ने की किया? अब्बा बाबा हाय, जमाने दा रसूल है, एदा बाबा है। बाबा मेरी मां ने किया, मैं सारी जिंदगी एडी अमीर सा कि अबू जाल ते अबू लाभ वर्गे मेरे कमी सन। हाय हाय हाय, मेरी दौलत 80,000 ऊठ तजारत वास्ते, डेजर्ट दे शिप जेड़े सने हर वेले जारी और सारी रहिंदे। अज मैं इन्नी गरीब हाँ, मेरे कोल कफन दा कपड़ा नहीं, मैं सारा इस्लाम दे सीने च उतार दिता है, ते मेरी ये गुजारिश है, तेरे कोल 2 चादरां ने, एक यायु अल मुजम्मल है काली, एक यायु अल मुदस्सर है चिट्टी, ये चिट्टी चादर मैनू कफन नहीं दे देंदे। मैं एक जुमला लगा बोलन, जिहड़ा उठ के नारा लाएगा मेरा हां ठर जाएगा। नबी दियां चादरां ने 2, एक यायु अल मुजम्मल काली, एक यायु अल मुदस्सर चिट्टी। मौलवी काली पढ़ता है, चिट्टी नहीं पढ़ता। काली काली कमली नहीं, और पूरा सुन लै, फिकरा सुन लै, पूरी काली काली कमली दी याद सताए, चिट्टी चिट्टी चादर दी याद क्यों नहीं सतांदी? इसलिए जे चिट्टी चादर पढ़े फिर 5 दसने पैंदे ने जेड़े चादर दे थले।
बस करिए इनिंग जोगे नहीं है जी। तवज्जो नाल सुन जड़ी मैं गल कर रहा हूं। चादर जड़ी मोढ़े ते आना ए दे दियो। खुदा दी कसम मेरी जबान सड़े मैं फिक्रा नहीं बोल सकता, मैं जुमला नहीं बोल सकता। मेरे नबी ने क्या खतीजा की मंगियाई। हाय काश मैं जुमला बोलने की जुरत कर सकता। नबी ने कहा अगर तू मेरे जिस्म दे चमड़े का कफन मंगदी जिन्या तेरिया वफावां ने। खुदा दी कसम इंज चादर लाई एल दरम्यान जबरील आ गया। उन्हें क्या अल्लाह प्यान दे इन्हें दौलत उतारी है मेरे ही सलाम दे सीने च। असी ये मकरूज हाँ, चादर तेरे मोढ़े ते सोने सोनी लगती है, इनू इत्थे रख इनू कफन असी देंगे। ये खानदान की है, ये की खानदान है जिदे दोतरियां दे लिबास भी जन्नती चो इन्हां दे कफन भी जन्नती चो। जमाना समझे तो सही है ना, एक बार फिर बोल जमाना समझे तो सही है न कि। खुदा दी कसम, खुदा दी कसम मुद्दत नबी दे नाल रही है ए मोमना दी मां, लेकिन नबी दा दिल दुखाया नहीं। हकीकत दिल दुखाया नहीं। एक फिक्रा ज़हन च आ गया जिन्होंने उमरा याद किया है उत्थे कगारे हिरा भी है, लोकी ओदे ते चढ़न लगे वाहवा टिल। मैं तो दो बारी गया तो अभी चौथर आया भी बुढ़ा बंदा नहीं चढ़िया जाता वाहवा टिल लाने। ये बीबी एक दिन छड़ के दूजे दिन सत्तू बना के रसूल दे उत्थे लैके जाती है। ओहो हो नबी करीम गारी राज इबादत करते सन, ये एक दिन छुट्टी तो दूजे दिन खुद सत्तू तैयार करके उत्थे ले जाती। एक दिन सत्तू लैके गई है ना, अजे जा रही है पहाड़ी चढ़ रही है। जबरील आया मेरे नबी ने कहा जी किवें आ, उन्हें कहा जी तुहाडे लई नहीं ओ जिहड़ी टुरी आउंदी है ना। ओए बोल अज आज जिहड़ी टुरी आउंदी है कमली वाली आ, अज अल्लाह ने ओदे वल अपना सलाम भेजिया है, मैं रब दा सलाम लैके आया। ओए होए 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 बीबी आई तो रसूल मुस्करा पे सोने सदा हंसते रहो। क्यों मुस्करा? फरमाया तेरे मुकद्दर खतीजा, तेरे मुकद्दर खतीजा, तेरे मुकद्दर। ए जबरील खड़े ही कोल ते ए अल्लाह दा सलाम लेके आया। इन अल्लाह व सलाम अमीन हो सलाम अलैह यऊदु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम। सलाम लेके आया सलाम। मैं जुमला लगा बोलन जे समझ गया तो दाद दे, नहीं तो चुप कर जाई। बीबी हस पई, हसी क्यों है खतीजा? सोनिया अपने मुकद्दर ते तू अल्लाह दा महबूब है मैं तेरी नौकर हाँ, तू अल्लाह दा महबूब है मैं तेरी नौकर हाँ, तेनू अल्लाह दा सलाम जबरील लिया के देंदा मैनू रब दा हबीब देंदा। इस खानदान की कुछ समझ आई आ? बोलो कोई पल्ले पिया है खानदान? क्या मकाम है क्या शान है इन्हों की? बस आखिरी गल और इजाजत। बीबी खतीजा दे ऊठ एक फला तजारत लैले के नाल मेरे नबी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह क्या मेरा नबी बपारी बने इश्क शुरू किया सी। इन्हों को पढ़ के इजाजत। सरकार लैके तजारत का माल जा रहे हैं, 500 आदमी काफले दे नाल। अबू चाल अगे आया आके जदों अगे लगो तुसी लगते हो साड़ी वारी नहीं आउंदी। कमाल हो गई यार, चवल बंदे ने चवल मारी है तो तेनू खुशी कोई नहीं हुई। वो आंदा जदों अगे लगी है तुसी लगते हो सानू नहीं। मेरे नबी ने कहा की चाहना है? अजे 25 साल उम्र है रसूल, अजे इलाने नबूवत किया नहीं, की चाहते हो? मेरे नबी ने क्या की चाहना है? उन्हें कहा मैं चाहना 12 घंटे का दिन, 6 घंटे मैं अगे लगा ते 6 घंटे तुसी सरदार बन के अगे लो। मेरे नबी ने कहा चल 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 अग अगे। मैं यह गल सुना के जा चल। अबू जेल बह गया डाची दे, जहाँ डाची चली मगर काफला चलिया। अगे एक वादी आ गई जिदा ना है वादी है सीवान। इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, बिच वादी है जाए दा ऊठ गया हो। एक सप निकलिया अगों, इंज डिग गया जिमें कुत्ता कंध तो डिगदा। दो पसलियां टुट गई,
दलेर बड़ा सी, कह लगा कपड़ा बन के इंज मैनू जरा ईजी करो, ऐ पहाड़ दे नाल ढो लो। ये नौकर कह लगे सरदार क्यों, कह लगा इंतजार करो जरा उन्होंने आ लैन दियो, जरा उन्होंने आ लैन। क्यों? उन्हें क्या जो आवगे मैं उन्होंने अगे लावगा जो मेरे नाल होया, वो सापे से तरह उन्होंने करेगा। नौकर बोल के कह लगा सरदार मार मार के भावे चमड़ी उधार दे, वो मैनू लात मना दी कसमें जिमें तेरे नाल होए ही उन्होंने नहीं होना। एक बार बोल तो सही, उन्होंने नहीं होना। इमाम उलंबिया की सवारी आई, मैं गया वक्त मुकम्मल करके, जहाँ सवारी आई रसूल ने पूछा चाचा क्यों बैठा है? इस सारी जिंदगी च एक सच बोलिया ते मैनू स्वाद आ गया उस सच ते, हुण पता नहीं भी सही दी तू खुश होएगा कि नहीं। जिदी फुफी का पुत्र लगता अबू जलो ना खुश होवे, बाकी खुश हो, आके कहिंदा जेड़ा तेरे अगे लग के चले चवल ही है ना, तुसी भी कहीं नहीं समझे, जेड़ा तेरे अगे लग के चले वो चवल ही है ना। जी गल की मैं चाहना कमली वाली तुसी अगे लगो, तुसी अगे सरकार दा सक्का चाचा है हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उन्हें क्या बेटा तू छोटा मैं लगे, फिर मैं चाचा एक उदा मारद मैनू अगे लगन दे। जा इमाम उलंबिया डाची दे बह गए, सीन सुनी आई बात दीवान अबू जाल वेंदा है पिया, जा डाची ने रखा कदम ओ सप निकलिया, इन्हें इंज कीता डाची लगी डरन, मेरे नबी ने अड्डी मार के क्या ओ कुसवा ना डर, तेरे ते अबू जाल नी नी नबिया दा सुल्तान बैठा। तेरे ते अबू जाल नी नबिया दा सुल्तान बैठे, अं सप दियां अखां अखां पग कौन है तू, तू स्वाद ही नहीं लिया, डरना तेरे ते नबियां दा सुल्तान बैठ कौन है, वो सप थले होया अंज ओले होके ना बंदे दे रूप में सामने आ कहिंदा सलाम होवे जी, मेरे नबी ने क्या कौन है, हुण जरा थोड़ा जा ज़ौक दे दे ताकि मैं भी जांदा जांदा राज खुश हो जा। कहिंदा आशिक बैठे नी रावां विच कुल्ली पाके, जिन्हों चा सही बोलो आशिक बैठे नी रावां विच, माइकल राशक बैठे नी रामा विच कुली पाके ते सोना तेरी दीद वास्ते, आशक बैठे रामा विच कुली पाके ते सोना तेरी दीद वास्ते, आशक बैठे नी रामा विच कुली पाके, रामा विच कुली पाके, रामा विच कुली पाके ते सोना तेनु दीद वास्ते। जिन्हां नूं तां सजना दी उड़ी कनरात विच खड़िया, आशक बैठे नी रावा विच कुली पाके ते सोना तेरी दीद वास्ते, मेरे नबी ने क्या कौन है, एक कहनगा कमली वालिया मैं सपनी मैं जिन, सुन ले ते जा कर मैं कौन ना, हाँ मेरा नाम है, मेरे अब्बे दा नाम उलैम है, मैं अज दा नहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह दा मती हाँ, बड़ी चस है कि उमती हाँ, 5000 साल हो गए खुड कढ़ के तेरे राज बैठे, ओए होए होए ओए चस लिया, 5000 साल हो गए आशक बैठे नी रामा विच कुली पाके ते सोना तेरी दीद वास्ते, तेरी दीद वास्ते, तेरी दीद वास्ते, तेरी दीद वास्ते, दीद वास्ते आशक बैठे नी रामा विच कुली पाके, स्वाद मजमा पढ़ो आशक बैठे नी रामा विच कुली पाके ते सोना तेरी दीद वास्ते। ए कमली वालियो मैं इब्राहिम नबी दा उम्मती हां, कोई चंगा काम नहीं जेड़ा मैं कीता होवे, कोई भैड़ा नहीं जेड़ा मैं छड़िया होवे, एडा लुचा जिनसा। एक दिन ज़ेन च आया भी चल चल ओए मर जाने ही रब दा खलील है तौबा करिए, मैं जाके क्या जी कलमा पढ़ो, आपने कहा था चाहते थे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं पढ़ लिया ला इल्लल्लाह इब्राहिम खलील चार साल ही अगे एंज ते इब्राहिम साहब कह लगे हाथ छड़, मैं आख्या नहीं पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं पढ़िया पढ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पढ़िया ओ छड़ा, मैं क्या नहीं क्यों नहीं छड़दा, कह लगा गुनाहगार बनाओ बदकार बनाओ, वादा कर अगे जाके छुड़ा लेगा,
ਇੱਥੇ ਜਾਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁੜਾ ਲਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਆਈ, ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ। ਉੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੰਘਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਟਪਾਇਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਮੁਕਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਬੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਓ ਆਲਮੇ ਸਾਰੇ ਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੀ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੜ ਲਓ ਆਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੀ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ ਦੀਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਏ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੁਆ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਕਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ? ਵਾਦੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਸੂਲ ਲੰਘੇਗਾ। ਹਾਏ 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 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਓ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜਾ ਸ਼ਾਦੂ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਵਾਸ਼ਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੂ ਵਾ ਰਸੂ। ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓਗੇ। ਆਖਰੀ ਫਿਗਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ, ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਰ। ਇਹੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੱਲੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਬੋਲਣ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ 'ਚ ਦੋ ਢੇਰ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਢੇਰ, ਫਿਰ ਉਹਦ ਪਾੜ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਚਾਰ ਢੇਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਬਰ ਬਣੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਸਿਹਾਬਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਜੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ 18 ਸੈਯਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਸਿਹਾਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਸਿਹਾਬਾ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਆਲ ਜਮਾ ਸਿਹਾਬਾ ਮੁਸਾਵੀ ਦੀਨ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਹਾਬਾ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਔਰ ਆਲ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ। ਸਾਡਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੈਰ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਤੇ ਅੱਖ ਤਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਪੈਰ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖ, ਅੱਖ ਤਾਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਖਾਜਾ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ।
फरमैश तू दिता कि हम तक कहता जी फरमैश कर देने इन्हें मैनु समझे ही हो किसी का ना हो लूने वाला कहता फरमैश कर देने हाँ अल्लाह तो लूने भी पुछ भी तू हम तक मेरे पाक पतन दे बाबा हर दार सलामा करता है एथे खुसरो नजाम जिया मुर्शद बन नौकर पानी अल्लाह दी कसम मैनू बारह मुल्क शोहरत दी फरीद एक बारी मिल गए बन मेरे पाक पतन दे बाबानू हर तौर सलाम हाथ में लोटा जदों मैं केसरी कार्ड कराई है मैं अजमेर वेख्या नहीं सी हुण ते मैं रह के आया इंडिया च हाथ में लोटा हाय नजीब तरफैन सैयद मोइनुद्दीन अजमेर जोर दी टाइम दा नमाज नमाज दा टाइम दा आलम एक मिनट आप चल पे सिपाहियां ने वेखियो बाबा आ गया पानी नहीं देना एदा मतलब पानी सिर्फ करबला च सईदां दा बंद नहीं होया बंद होंदा आया है। बोलो तो सही जा करीब आए उन्हें क्या बाबा किधर पानी लेना आया उन्हें क्या पानी दी जा बच्चों एक लोटा पानी दा नहीं एक करवा पानी दा एक अस्तावा पानी दा उन्हें क्या नहीं अच्छा कोई गल नहीं बच्चे वो मेरे नबी दा हुक्म है जे पानी ना होते तो यमम कर ले वापस है दरख्त ले जो बामा पूजिया ना ते लगे मिट्टी ते तयम्मम कर ते जोश चा के ने तयम्मम तो वहां करते हैं जहां पानी ना हो आलमे जलाल जाके उठे नी आप टुर पैन ओना वेखियो इज्जत नाल वकार नाल शान नाल टौर नाल आप चल पैन ओना दी नजर पई बाबा फेर आ गया जा करीब आए नखरे नाल वकार नाल शान नाल कोलों लंघ गए सीधे बुतखाने च जद मैं रिकॉर्ड कर मैं वेख्या नहीं सी ग्यारह पौड़ियां ने फिर अंदर जांदा बुतखाने दे बंदा जा करीब गए जुत्ती ला ली खबे हाथ च लोटा सजे हाथ च खला उन्हें कहा बाबा अदब नाल अंदर चले आए अंदर जाओ के लोटा रखा बुत दे हाथ ते थोक ला के दो लीटर मार के क्या दो थाल खा गए चल पानी ले गए तू बोले ही नहीं आया तू बोले ही नहीं चल पानी लेके आ तू घर जा हूं ऐसे ले रात दे तकरीबन डेढ़ होने साढ़े बारह होने वाले ने घर जाके अपनी बीवी उठाए रोटी चापका ओके के राम नाल बह जा मैं तेन भी जाननी है तेरे पिछले भी जाननी तेरे आखे तेरी रन ना लगे और अजमेरी माइया ओ ही बुत नू हुक्म दे दे ते टुर पवे होए ये शान है खिदमत यारों की ये शान है खिदमत यारों की सरदारी का आलम क्या होगा बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा बस आखिरी जुमले दो जहां सिपाहियां दी नजर पई उन्हें क्या सर जी भगवान की जय उन पौड़ियां उतरदा हुंदा लोटा लैके सूबेदार कह लगा कि होया जी उन्हें क्या रबरी लोटा लैके लख लानत हो जा रब की जोड़ा लोटे चाई फिर लोटा लेके प्या आ जा पिछों खाजा निकले एक लीटर मारिया ओ जल्दी चल नमाज कदा हो गई ओना आखिरी फिक्र इस फिक्रे मैनु शोहरत दी ओ सूबेदार जल्दी निकल बार क्यामत तो पहले क्यामत आ गई भगवान लोटा चाई आई लीतर खाई आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला।